ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर के इंटीमेट सीन्स पर पड़ गई है सेंसर बोर्ड की बुरी नजर। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए मुश्किलों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले पॉलिटिकल पार्टी ने फिल्म से फवाद खान के रोल को पूरी तरह से हटाने की डिमांड की और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने फिल्म के सामने अपनी डिमांड रख दी है। दरअसल सेंसर बोर्ड की डिमांड थी कि करण अपनी फिल्म से लीड कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर के कुछ इंटीमेट सीन्स को काट दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वेल, हम जानते हैं कि सभी ये सुनकर थोड़े से उदास हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग के वक्त करण वहां मौजूद थे और जब बोर्ड ने उन्हें फिल्म के कुछ इंटीमेट सीन्स हटाने की सलाह दी तो वो काफी परेशान हो गए। वहां उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डायरेक्टर को आखिरकार 3 अहम इंटीमेट सीन्स को काटना ही पड़ा जो उनके हिसाब से फिल्म के लिए काफी जरूरी थे। इन तीनों सीन्स में से एक सीन ट्रेलर में दिखाया भी गया है, लेकिन बोर्ड ने मैच्योर थीम और खूबसूरती के लिए फिल्म की तारीफ की और इसे US सर्टिफिकेट भी दिया है, क्योंकि बोर्ड को लगता है कि फिल्म के इंटीमेट सीन बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है यही चीज कि जब सनी लियोनी की सीन्स को भी सेंसर अप्रूव कर सकता है तो ऐश्वर्या राय बच्चन के क्यों नहीं।